नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। निजीकरण के विरोध में विद्युत निगम कर्मचारियों का दूसरे दिन जारी बहिष्कार व कर्मचारियों का प्रदर्शन ऊर्जा मंत्री के आश्वासन पर समाप्त हुआ। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के पदाधिकारी मोहम्मद अफजल ने बताया कि कर्मचारियों के नेताओं व सरकार के मंत्रियों व प्रशासनिक अधिकारियों की हुई वार्ता के बाद हड़ताल समाप्त हो गई। उन्होंने बताया कि वार्ता में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के विघटन एवं निजीकरण का प्रस्ताव वापस लेने, कोई भी निर्णय कर्मचारियों व इंजीनियर को विश्वास में लिए बिना नहीं लेने सहित 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने विश्वास दिलाया कि वह आंदोलन के दौरान इंजीनियर व कर्मचारियों के खिलाफ थाने में दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएंगे तथा किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। 5 अक्टूबर से 2 दिन के कार्य बहिष्कार कर कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान अधीक्षक अभियंता सीपी सिंह, अधिशासी अभियंता अनिल कुमार पांडे, राहुल गौतम, मनोज शर्मा, राकेश शर्मा, मोहम्मद अफजाल, अर्जुन सिंह, चंद्रहास शर्मा, करतार सिंह, रजनीश कुमार, वीके हरित, अमित शर्मा, दुष्यंत त्यागी सहित भाक्यू लोक शक्ति उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अटेवा भारतीय मजदूर संघ का समर्थन रहा। बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट।